तो आज का व्लॉग एक बहुत स्पेशल जगह से शुरू कर रहा हूँ। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, दिल्ली से अमृतसर आए थे और अमृतसर जाना जाता है गोल्डन टेम्पल के लिए। तो अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा गोल्डन टेम्पल श्री हरमिंदर साहिब जी के। तो ये मेरे पीछे गोल्डन टेम्पल श्री हरमिंदर साहिब, और मैं यहाँ पे लगभग मतलब 7-8 साल पहले, मतलब बहुत छोटा था मैं तब, फैमिली के साथ आया था और अब आज आ रहा हूँ। और पिछली बार मैं गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं गया था, वहीं पे आया था उस जगह पर, और वहाँ पे वापस चले गए थे क्योंकि भीड़ बहुत थी। और बचपन से मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब भीड़ में ऐसी जगह कहीं जाना बिल्कुल नहीं पसंद, और आज भी वही चीज़ है। तो ये लाइन देख लिया आपने, कितनी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आज भी मैं अभी नहीं जाने वाला, आज यहाँ पे रुकूँगा लेकिन पूरा दिन। तो ट्राई करूँगा शाम को, रात को, जब भी, जब यहाँ पे फ्री होगा, मेरा यहाँ पे होटल पास में है, जब भी टाइम मिलेगा तब मैं यहाँ पे आके अंदर इस बार दर्शन करके ज़रूर जाऊँगा। तो दिस इज़ द एंट्री, और पीछे आपने देखा कितने सारे लोग हैं, एंड मैक्सिमम लोगों ने मास्क नहीं पहना है। तो मतलब जो भी अब यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे बस की, हम लोग के बस की तो अभी नहीं है इतनी भीड़ में जाना, कम से कम यहाँ पे 1-2 घंटे लग जाएंगे। शाम को ट्राई करेंगे, रात को ट्राई करेंगे, या कल सुबह सुबह मुझे आना था 4 बजे, उस टाइम ट्राई करेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हजात है, हजात भी हजात है वो मौत भी हजात है। तो यहाँ से लाइन शुरू हो रही है मेरे पीछे से, और वहाँ अंदर तक बिल्कुल लाइन ही लाइन है। तो हैट्स ऑफ टू दिस पीपल कि भाई इतनी देर ये लोग लाइन में लगे। लेट्स होप कि खाली मिल जाए थोड़ा, सुबह या शाम में भी, कभी भी। इतना ज़्यादा प्रिस्टीन प्लेस है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जब पहले आया था मैं, तब भी मतलब यहाँ तक तो नहीं आया था मैं, मतलब बहुत छोटा था, फिर वहाँ सामने तक आया, दर्शन किए, वापस चला गया अपने होटल में। लेकिन इस बार यहाँ तक आया लेकिन फिर भी अंदर नहीं जा पाया अभी भीड़ की वजह से। सो लेट्स होप कि भगवान हमें दर्शन करा दे, और रात को या शाम को या सुबह कल जब प्रभात फेरी होती है तब दर्शन करने का मौका मिले। चलो आने,
तो गोल्डन टेम्पल से आने के बाद थोड़ी देर हम लोग सो गए, क्योंकि पूरी रात कोई भी नहीं सोया था। और अब जा रहे हैं और भी कुछ कुछ जगह घूमने, कुछ मंदिर वगैरह घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या अमृतसर में। सो 5 बजे का टाइम निकले अमृतसर में और बिल्कुल ट्रैफिक में फंस गए। जा रहे हैं हम लोग दुर्गा माता मंदिर है मॉडल टाउन में। सो लेकिन ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा, मतलब 9 किलोमीटर है उसमें आधा घंटा दिखा रहा है। सो यहाँ पे पार्किंग थी अच्छी इस टेम्पल की, दुर्गियाना टेम्पल है। और रास्ता यहाँ पर ऊपर C3 याद रखना है। सो ये है मंदिर का रास्ता, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, सुंदर लग रहा है। दुर्गियाना टेम्पल जो ये भी बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह है, एकदम पानी सरोवर के बीचों बीच और ऊपर से ये भी गोल्डन है। और अंदर अब दर्शन करते हैं, यहाँ पे भीड़ फॉर्चुनेटली बहुत कम है। तो अंदर दर्शन कर लिए, और मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, जो अमृतसर आते हैं तो गोल्डन टेम्पल होके चल जाते हैं। तो गोल्डन टेम्पल जैसा ही एक टेम्पल है और दुर्गियाना माता का, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन अंदर श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति थी, राम दरबार था और उसके बाद राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, तो बहुत अच्छा था। और देखने में बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मंदिर देखने में इस कोने से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है। और अभी अभी एकदम लाइट्स ऑन हुई है। और भी लाइट्स ऑन हो गई, तो सारी लाइट्स ऑन हो रही है, तो बहुत सुंदर है। और मतलब गोल्डन टेम्पल से थोड़ा छोटा है साइज में, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और पानी यहाँ का भी, गोल्डन टेम्पल का मैंने देखा, बहुत क्लियर, मतलब आपको नीचे सरफेस तक दिख रहा था, इतना क्लियर पानी है। तो यहाँ जो जल है इस मंदिर का, तो उसमें 78 जगह का जल ला के वहाँ पर डाला गया, तो बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी जगह का शुद्ध पानी, एकदम पवित्र पानी इसमें है, इस मंदिर के चारों तरफ। तो हो गए दर्शन, और यहाँ पे भीड़, यहाँ पॉपुलैरिटी देख के पता लग रहा है कि मतलब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की कितनी अहमियत है। वहाँ पे आपने सुबह देखा था कितनी भीड़ थी, कितनी मतलब हद से ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत कम, मतलब ना के बराबर बहुत कम भीड़ थी। तो ये यहाँ पे लोग ज़्यादातर नहीं आते, पता नहीं है लोगों को, जो आते हैं मतलब जो अगर टूर करके आ रहे हैं गाइड वगैरह या टैक्सी लेके, तो उनको पता रहता है। तो अब देखते हैं कहीं और जाने का। श्री लाल देवी मंदिर, और ऊपर आपने तो देखा कि गुफा बना रखी है जैसे वैष्णो देवी में,
और सब भगवान है वहाँ पे, मतलब हर जगह के सारे ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, सब चीज़ें। तो अच्छा था, आ सकते हैं आप अमृतसर में। यहाँ भी और भी तीन चार जगह है जो बहुत कॉमन है, जैसे जलियांवाला बाग हो गया, वाघा बॉर्डर हो गया, तो वो सब अभी बंद है, तो वहाँ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो और दो तीन जगह रिक्शे में जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर, जलिया बहुत, छोटी छोटी गाड़ी निकालने कोई फ़ायदा नहीं था। जा रहे हैं फ्लावर ढाबा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही था हमारे होटल से, तो बहुत फेमस है, देखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कुलचे खाने थे, अमृतसरी कुलचे बहुत फेमस है, तो ब्रावा दा ढाबा में बैठ के अमृतसरी कुलचे फाइनली ऑर्डर किए। सो दिस इज अमृतसरी कुलचे, पनीर खा दिन। तो ये पनीर कुलचा है, अब खाते आपको बताते कैसा है। हो गया डिनर ब्रावा दा ढाबा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। बड़े अलग कुलचे जो यहाँ के थे, अलग ही, ऐसे दिल्ली में नहीं खाए थे कहीं। तो खाना था से, मतलब पहले मुझे लगा कि मूर्थल जैसा होगा कुछ, कि फेमस हो गया और लोग आने लग गए तो क्वालिटी गिर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्वालिटी थी स्टिल मेंटेन्ड। और अभी हम लोग गए थे टाउन हॉल वाले में, तो ये साथ में देख रहे हो मेरे हेरिटेज वॉक है, तो ये पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है गोल्डन टेम्पल ने, और ये पूरा यहाँ पे वे बनाया हुआ है एक, तो ये देखो सामने ये पूरा ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे शॉप्स वगैरह सब यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। और अब जाएंगे एक बार फिर से दिन को एंड करने के लिए गोल्डन टेम्पल। तो अभी दर्शन के लिए आए थे और अब बंद हो चुका है गुरुद्वारा, 10:30 बज रहे हैं कुछ, तो अब सुबह खुलेगा वही 3-4 बजे, मतलब दर्शन हो पाएंगे जब प्रभात फेरी होती है, तब ट्राई करेंगे, अगर वैसे ट्राई तो करेंगे आना है, सुबह आएंगे ना, क्योंकि फिर छूट जाएगा इस बार भी मेरा, पिछली बार भी नहीं आ पाया था, इस बार भी नहीं हो पाएगा, लेट्स सी। हाँ तो अब आज का व्लॉग एंड करता हूँ यहीं पे, अब हम जा रहे हैं बस होटल जाएंगे, सो जाएंगे, अब बहुत थक गए, पूरा दिन बहुत जगह घूमे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आज का, और अच्छा लगा अगर आपको वीडियो तो डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, देखते हैं कल कहाँ कहाँ जाना होगा, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।